अभी हमारे जो करेला का गांच उच्छा गांच उसमें कुछ इस कदर पका 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 करेला हुआ है, एकदम पीला देख लीजिए जो मैं लगाया हूँ। तो अभी बहुत सारा गल भी गया है और देखिए अभी ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में, जब इस तरह से झूल रहा है, इसमें हरा भी है वो देखिए, और इस तरह से छोड़ देने से वो पीला हो जाता है, वो दाना बन जाता है इसमें कुछ ऐसा। तो कुछ इस तरह का छोड़ देने से क्या होता है देखिए, और चीज़ में दिखाऊँ देखिए, ये गल कर फट कर गिर जाता है देखिए ऑटोमेटिक, देखिए ये देखिए ऑटोमेटिक फट कर गिर जाता है दाना। और ये एक समय फिर से एक नया अपना जो जाति का जो गांच का उसका निर्माण करेगा तरह से, और भी होगा इधर तो उसको देखते हैं। देखिए तो इधर भी एक खबर देख रहे, देखिए पीला करेला बोलते हैं इसे, पीला करेला पक गया बोल के पीला हो गया। बहुत सारा पक चुका, तो देखिए पीला करेला भी होता है बट ये पका हुआ करेला हो गया। आज हमारा ग्रीन वर्ल्ड में आपको आज के दिन में यही दिखाया, पीला करेला।